हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी यूजीसी नेट कॉमर्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एग्जेम्प्टेड इनकम अंडर सेक्शन 10 के अंदर। ठीक है, कौन कौन सी एग्जेम्प्टेड इनकम है अंडर सेक्शन 10 के अंदर, कौन कौन सी एग्जेम्प्टेड इनकम आते हैं, तो उनके बारे में आज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। देखो, फर्स्टली आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एग्जेम्प्ट इनकम। इनकम टैक्स के अंदर पढ़ते हैं व्हाट इज एग्जेम्प्ट इनकम। एनी इनकम अर्न विच इज नॉट सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स इज कॉल्ड एग्जेम्प्ट इनकम। यानी वो इनकम जिसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता, ठीक है, यानी जिसके ऊपर जो टैक्स की कैटेगरी में नहीं आती, हम कहेंगे कि वो क्या है, एग्जेम्प्ट इनकम है। एज पर सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ इनकम विच विल बी सब्जेक्टेड टू इनकम टैक्स विद इन ए फाइनेंशियल ईयर प्रोवाइडेड दे मीट सर्टेन गाइडलाइंस एंड कंडीशन। यानी अंडर सेक्शन 10 के अंदर कुछ एक ऐसी इनकम आते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं, जो इनकम क्या होते हैं, एग्जेम्प्टेड होते हैं और जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, अब हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम, जो एग्जेम्प्टेड अलाउंस वगैरह है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, इसके बाद जो वीडियो आएगी। ठीक है, तो जो अलाउंसेज है, जो फैसिलिटी एग्जेम्प्टेड उनके, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम, कौन सी इनकम होती है जो एग्जेम्प्ट होती है। देखो, फॉलोइंग्स आर द टाइप्स ऑफ इनकम डेट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। यानी ये जो वो इनकम है जो क्या है, इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट है। हाउस रेंट अलाउंस है, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस हम पढ़ते हैं, जैसे रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी या 40% और 50% ऑफ सैलरी, जो हम प्रोविजन पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे हम हाउस रेंट अलाउंस के अंदर। जब हम एग्जेम्प्टेड अलाउंस के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम ब्रीफली पढ़ेंगे। अलाउंसेज और ट्रांसपोर्टेशन या चिल्ड्रन एजुकेशन हो गया, सब्सिडी ऑन हॉस्टल फीस, तो इनके ऊपर भी आपको कुछ पोर्शन है इनकम का एग्जम्पशन मिलता है। ठीक है, ऐसे ही एचआरए के ऊपर भी आपको एग्जम्पशन मिलती है। एग्जम्पशन ऑन हाउसिंग लोन है, उस पर भी आपको एग्जम्पशन मिलती है। इनकम डिफाइंड एज पर सेक्शन 10 सेक्शन 54 द इनकम टैक्स एक्ट है, तो उसके अंदर भी आपको एग्जम्पशन मिलती है। लीव एंड ट्रैवल अलाउंस हो गए, उन पर भी आपको एग्जम्पशन मिलती है। देखो, इनकम एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स एज पर सेक्शन 10, अब ये इनकम आती है जो क्या है, एग्जम्प्ट है, कौन से सेक्शन के अंदर, अंडर सेक्शन 10। तो एक बार आपको बस है ना, जस्ट एक मतलब रीड करना है, ठीक है, बिल्कुल रटना नहीं है, रीड करना है, जिससे मान लो एग्जाम में आ जाए तो आप मतलब एक बार देख के कर सको क्वेश्चन। तो मेंशन बिलो इज द, क्योंकि काफी लंबी लिस्ट है जो अंडर सेक्शन 10 के अंदर जो इनकम एग्जम्प्शन मिलती है, काफी लंबी लिस्ट है वो। तो मेंशन बिलो इन दी इज द लिस्ट ऑफ इनकम एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स स्पेसिफिक टू सेक्शन 10। कौन कौन सी इनकम है, देखो, एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम का सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस बार भी पेपर में आया था वो, एग्रीकल्चर इनकम का सेक्शन है, तो आपको अच्छे से लर्न करना है। एग्रीकल्चर इनकम का सेक्शन है 10(1). ठीक है, तो सेक्शन भी एक बार आप देख लेना, सेक्शन 10(1), अमाउंट रिसीव्ड आउट ऑफ फैमिली इनकम HUF है सेक्शन 10(2). ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्शन 10(2A), इंटरेस्ट पेड टू नॉन रेजिडेंट सेक्शन 10(4). ठीक है, तो देखो इसमें से एग्रीकल्चर इनकम का सेक्शन इंपॉर्टेंट है, और आगे देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ गया जैसे, और ये वाला भी कर लेना, सेक्शन जो 10(2) है, अमाउंट रिसीव्ड आउट ऑफ फैमिली इनकम HUF, तो ये भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना, 10(2) में आता है ये। इंटरेस्ट टू नॉन रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट अकाउंट सेक्शन 10(4), इंटरेस्ट पेड टू ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन एंड हु इज नॉन रेजिडेंट सेक्शन 10(4B), लीव ट्रेवल कंसेशन और असिस्टेंस सेक्शन क्या कौन सा है, सेक्शन 10(5), रेमुनरेशन ऑन सैलरी रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल हु इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया सेक्शन 10(6), रेमुनरेशन सेक्शन 10(6)(2), रेमुनरेशन रिसीव्ड एज एन एम्प्लॉयज ऑफ फॉरन एंटरप्राइज सेक्शन 10(6), एम्प्लॉयमेंट और ए फॉरन शिप सेक्शन 10(6)(8), रेमुनरेशन रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयज ऑफ फॉरन गवर्नमेंट 10(6). ठीक है, तो बस आपको देखो इतने ज्यादा आपको 2 है या 3 में आता है, इतना लर्न करने की जरूरत नहीं है। एक बात याद कर रख लेना कि जो रेमुनरेशन का सेक्शन है वो सेक्शन 10(6) है। ठीक है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 6 है, तो इतना पढ़ लेना आप। उसके बाद टैक्स पेड बाय गवर्नमेंट और इंडियन कंसर्न इनकम ऑफ फॉरेन कंपनी, तो ये आता है 10(6A), 6(B), 6BB और 6C। ठीक है, फिर अलाउंसेज हो गया, परक्विजिस्ट हो गया, पेड बाय द गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉयज सर्विंग आउटसाइड इंडिया सेक्शन 10(7). उसके बाद एम्प्लॉयज ऑफ फॉरेन कंट्री वर्किंग इन इंडिया अंडर द कोऑपरेटिव टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम, तो सेक्शन 10(8) में आता है। इनकम ऑफ ए कंसल्टेंट सेक्शन, ये सेक्शन 10(8A) में आता है। इनकम ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ कंसल्ट
सेक्शन 10(8)(b) में आता है ग्रेचुटी। देखो ग्रेचुटी का सेक्शन इंपॉर्टेंट है, हम ग्रेचुटी का अलग से टॉपिक है वो डिस्कस कर भी चुके हैं, तो ग्रेचुटी का सेक्शन आपको अच्छे से लर्न करना है। ग्रेचुटी का सेक्शन होता है सेक्शन 10(10). ओके, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कम्यूटेड पेंशन के बारे में और अनकम्यूटेड पेंशन दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो सारे में वैसे ही मतलब अच्छे से ब्रीफली डिस्कस कर रही हूँ। तो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन का सेक्शन क्या है, सेक्शन 10(10)(a) अमाउंट रिसीव्ड ऑन लीव इनकैशमेंट और रिटायरमेंट, ये वाला भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, रिटायरमेंट और लीव इनकैशमेंट वाला, तो इसका सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 10(10)(aa), सेक्शन 10(10)(aa). तो ग्रेच्युटी का सेक्शन 10(10) है, लीव इनकैशमेंट का सेक्शन क्या है, सेक्शन 10(10)(aa). रिट्रेचमेंट कंपनसेशन, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, 10(10)(b) में आता है। ठीक है, ये भी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, मैक्सिमम लिमिट क्या है सब कुछ एवरीथिंग। पेमेंट रिसीव्ड अंडर द भोपाल गैस डिजास्टर एक्ट 1985, सेक्शन 10(10)(bb). कंपनसेशन रिसीव्ड इन केस ऑफ एनी डिजास्टर, सेक्शन 10(10)(bc). रिटायरमेंट कंपनसेशन फॉर ए फ्रॉम ए पब्लिक सेक्टर कंपनी और एनी अदर कंपनी, यानी आपको रिटायरमेंट कंपनसेशन मिल रहा है या तो वो पब्लिक सेक्टर कंपनी है या अदर कंपनी है, तो रिटायरमेंट कंपनसेशन किस में आएगा, सेक्शन 10(10)(c) में, किस में आएगा, 10(10)(c) में। टैक्स ऑन नॉन मोनेटरी परक्विजिस पेड बाय द एम्प्लॉयर, सेक्शन 10(10)(cc). अमाउंट रिसीव्ड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, सेक्शन 10(d). स्टैचुअरी प्रोविडेंट फंड, सेक्शन 10(11). रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, सेक्शन 10(12) और सुपर एनुएशन फंड, सेक्शन 10(13) है। हाउस रेंट अलाउंस, देखो ये तो इतने नहीं थे, हाउस रेंट अलाउंस का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, ये आता है सेक्शन 10(13)(a). ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ बार बार। तो हाउस रेंट अलाउंस का सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 10(13)(a). बिजनेस एक्सपेंडिचर अलाउंस का कौन सा है, सेक्शन 10(14). इंटरेस्ट इनकम का सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 10(15). स्कॉलरशिप का सेक्शन कौन सा है, 10(16). अलाउंस ऑफ जो MP MLA को मिलता है, सेक्शन 10(17) में आता है। अवार्ड्स इंस्टीट्यूशन बाय गवर्नमेंट सेक्शन को, सेक्शन 10(17)(a). पेंशन रिसीव्ड बाय सर्टेन विनर ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स, तो सेक्शन 10(18) में आता है। फैमिली पेंशन, ये पढ़ लेना, फैमिली पेंशन का सेक्शन कौन सा है, फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय फैमिली मेंबर ऑफ आर्म फोर्स इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्स, तो ये जो सेक्शन है वो सेक्शन 10(19) है, सेक्शन 10(19). इनकम ऑफ ए लोकल अथॉरिटी, सेक्शन 10(20). इनकम ऑफ ए साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, सेक्शन 10(21). इनकम ऑफ सम प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, सेक्शन 10(23)(a). एग्जम्पशन ऑफ इनकम रिसीव्ड बाय द रेजिमेंटल फंड, सेक्शन 23(aa). और इनकम ऑफ फंड सेटअप फॉर वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय फॉर द डिपेंडेंट सेक्शन, तो सेक्शन 10(23)(aa). और इनकम ऑफ पेंशन फंड सेटअप बाय LIC और अदर इंश्योरर, तो सेक्शन 10(23)(aa). तो इतने सारे तो आप याद नहीं कर सकते। ठीक है, इनकम ऑफ स्टेट लेवल खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, तो इसका आता है सेक्शन 10(23)(bb). ए इनकम ऑफ सर्टेन अथॉरिटी सेटअप टू ए मैनेज रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, तो सेक्शन 10(23)(bb)(a). इनकम ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, तो सेक्शन 10(23)(bb). और इनकम ऑफ सार्क फंड ऑफ रीजनल प्रोजेक्ट, सेक्शन 10(23)(bc). एनी इनकम ऑफ इंश्योरर रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, सेक्शन 10(23)(bb)(e). और इनकम ऑफ प्रसार भारती। ठीक है, तो देखो इसमें जो आपको मैंने वैसे जो आपको मेन बताया, जो हाईलाइट किया आपको, वो लर्न करने हैं, और बाकी एक बार आप है ना बस जस्ट रीड कर लेना। ठीक है, एनी इनकम रिसीव्ड बाय पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ फॉलोइंग फंड, सेक्शन 10(23)(c). एग्जम्पशन इनकम ऑफ म्यूचुअल फंड, सेक्शन 10(23)(d). एग्जम्पशन ऑफ इनकम सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, तो ये आता है सेक्शन 10(23)(da). इनकम ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, सेक्शन 10(23)(ea). एग्जम्पशन ऑफ इनकम ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ऑफ डिपोजिटरी, तो ये आता है सेक्शन 10(23)(ed). एग्जम्पशन फॉर सर्टेन इनकम ऑफ वेंचर कैपिटल कंपनीज और वेंचर कैपिटल फंड फ्रॉम सर्टेन स्पेसिफाइड बिजनेस और इंडस्ट्री, तो सेक्शन 10(23)(fb). इनकम ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, सेक्शन 10(24). इनकम ऑफ प्रोविडेंट सुपर एनुएशन फंड,
तो ये था सेक्शन 1025 और इनकम ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड सेक्शन 1025A, इनकम ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब मेंबर तो सेक्शन 1026A, इनकम ऑफ सिक्किम इंडिविजुअल विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट 1 अप्रैल 1990 तो इसका होता है सेक्शन 10AA(n). ठीक है, उसके बाद रेगुलेटिंग और मार्केटिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेक्शन 1026AB, इनकम ऑफ कॉरपोरेशन सेट ऑफ प्रोमोटिंग इंटरेस्ट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स बैकवर्ड क्लासेस तो सेक्शन 1026B, इनकम ऑफ कॉरपोरेशन सेट अप टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी सेक्शन 1026BB, एनी इनकम ऑफ कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश फॉर एक्स सर्विस मैन तो इसका होता है सेक्शन 1026BB, इनकम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी लुकिंग आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब तो सेक्शन 1027, एनी इनकम एक्यूरिंग अराइजिंग टू कमोडिटी बोर्ड तो ये है सेक्शन 1029A, अमाउंट रिसीव्ड एज सब्सिडी फ्रॉम एंड थ्रू द टी बोर्ड सेक्शन तो सेक्शन 1030, और अमाउंट रिसीव्ड एज सब्सिडी थ्रू द कंसर्न बोर्ड सेक्शन 1031, इनकम ऑफ चाइल्ड क्लब सेक्शन 1032, तो एक ये वाला और याद कर लेना इनकम ऑफ चाइल्ड क्लब तो सेक्शन 1032। ठीक है, तो ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये थे हमारे, और भी एक आधे आते हैं, देखो इनकम बाय द वे डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी सेक्शन 1034। ठीक है, एग्जम्पशन एक बार ये वाला और देख लेना, एक जो इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी को जो मिलता है सेक्शन 1034 में आता है। एग्जम्पशन ऑफ इनकम टू शेयर होल्डर ऑन बाय बैक ऑफ शेयर अनलिस्टेड कंपनी सेक्शन 1034A, एग्जम्पशन ऑफ इनकम फ्रॉम यूनिट्स, यूनिट्स वाला भी पढ़ लेना सेक्शन 1035 में आता है। ठीक है, एग्जम्पशन ऑफ इनकम फ्रॉम सिक्योरिटाइज ट्रस्ट सेक्शन 1035A, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट है सेक्शन 1035A। ठीक है, तो ये थे हमारी वो इनकम जिसके ऊपर एग्जम्पशन मिलती है सेक्शन 10 के अंदर। तो जो मैंने आपको मेन हाईलाइट किए तो उसको तो आपको लर्न करना और बाकी एक बार बस जस्ट आप रीड कर लेना, यानी मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको मिस ना हो बस। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसके बाद हम करेंगे कौन कौन से जो अलाउंसेज है जिसपे एग्जम्पशन मिलते हैं, जैसे हाउस रेंट अलाउंस हो गया, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।